हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी विद जय। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका भाग एक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्थ क्या होता है, और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद द्रव्य की वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हर वह वस्तु पदार्थ कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती हो या उसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि कुछ स्थान घेरती हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो, ऐसी वस्तुओं को जो है हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पेन, वायु, पानी। पेन को अगर हम कहीं रखते हैं तो वह कुछ न कुछ स्थान घेरेगी और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, इसलिए पेन हमारा क्या हुआ? पदार्थ। अब आइए जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये जानते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला हमारा है ठोस अवस्था या ठोस, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। अब आइए जानते हैं गुण के बारे में, कि पदार्थ के जो गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो ठोस के गुण क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या होते हैं और गैस के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आकार के बारे में जानेंगे। तो ठोस का आकार जो है निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए जो है द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अब ये गैस के आकार के बारे में जानते हैं। तो इसका आकार भी जो है अनिश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। उसी तरह से आयतन के बारे में जानते हैं। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, उसी तरह से द्रव का भी आयतन जो है निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अब आइए घनत्व के बारे में जानते हैं। तो ठोस का घनत्व जो है अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, जबकि गैस का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम होता है का मतलब कि ठोस से भी कम होता है और द्रव से भी कम होता है। उसी तरह से ऊष्मा के बारे में जानेंगे, कि जब ठोस को ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, तो जब ठोस को गर्म करने पर जो है फैलते हैं, ठोस को जब गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? फैलता है। उसी तरह से द्रव को गर्म करने पर जो है वह उबलता है, गैस को गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलती है। जब गैसों को हम गर्म करते हैं तो वह बहुत तेजी से फैलती हैं। अब ये इनके बीच रिक्त स्थानों के बारे में जानते हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जबकि गैस में ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है, और गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। द्रव में ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है, जबकि गैस में सबसे अधिक होता है। रिक्त स्थान जो होता है ठोस से भी अधिक होता है और द्रव से भी अधिक होता है। अब ये जानते हैं द्रव्य का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा मिश्रण, जिसको हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा है हमारा शुद्ध पदार्थ। तो आइए इसमें सबसे पहले मिश्रण के बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से या मिलने से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। दो पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं और उनके फलस्वरूप जो बनता है उसी को जो है हम उसे मिश्रण कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि मिश्रण को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। तो मिश्रण में जो है सबसे पहला हमारा होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब आइए समांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं।
ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी अवयवी में तत्व हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी तत्व अथवा यौगिक पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक पानी का घोल, जब पानी में नमक को हम घोलते हैं तो पानी में नमक का जो टेस्ट होगा हर जगह समान होगा। अगर ऊपर से हम चेक करेंगे तो वहाँ पे भी नमक की मात्रा जितनी पाई जाएंगी, नीचे चेक करते हैं वहाँ पे भी उतनी ही पाई जाएंगी। उसी तरह से शरबत हो गया, वायु हो गया। अब आइए विषमांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, यानी कि कोई दो अवयवी जिसमें या तो तत्व ले सकते हैं या यौगिक ले सकते हैं, उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो उन्हें फिर भी हम मिलाने के पश्चात भी जो है उन्हें अलग अलग हम देख सकते हैं। जैसे में देखेंगे चीनी एवं बालू का मिश्रण, जब चीनी और बालू को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद भी हम देखते हैं तो चीनी अलग और बालू अलग नज़र आते हैं। उसी तरह से मिट्टी का तेल एवं पानी का मिश्रण, तो मिट्टी का तेल और पानी को जब मिक्स करते हैं तो उसमें भी जो है मिट्टी का तेल अलग रहता है और पानी अलग रहता है, इसलिए यह मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण। अगला है हमारा शुद्ध पदार्थ, वे पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना और समान गुण होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के जो है कण होते हैं। दोबारा देखते हैं, वे पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना और समान गुण होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और वह कण जो है अणु भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है। अब आइए, शुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व दूसरा यौगिक। अब आइए तत्व के बारे में जानते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं को मिला करके जो है तत्व का निर्माण होता है, या कहते हैं कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो है केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। उसी तरह से सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में भी बस सिलिकॉन के ही परमाणु होंगे। उसी तरह से कार्बन हो गया, तो कार्बन में भी सारे परमाणु कार्बन के ही होंगे। अब ये जानते हैं कि वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें पहला हमारा जो है हाइड्रोजन है, और 118वें नंबर पे जो आता है उसे ओगानेशन बोलते हैं, जिसे ओजी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये भी जानते हैं कि तत्व भी जो है तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, जिसकी चर्चा जो है हम आगे के चैप्टर में करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं यौगिक के बारे में। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं, या इसको इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दोबारा सुनिए,
दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनको जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यह जल का निर्माण करते हैं। जैसे एक संबंध है 8 के अनुपात में जब इसको मिक्स करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो यह जल का निर्माण करेंगे। जैसे में जल हो गया, नमक हो गया। अब आइए जानते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक हमारा हो गया कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो आइए सबसे पहले जो है कार्बनिक यौगिक के बारे में जानते हैं। तो कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि कार्बन से जो भी यौगिक तैयार होते हैं उन्हें जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब ये नोट में जान लेते हैं कि प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। जो कार्बनिक यौगिक हैं इनकी संख्या जो है प्रकृति में 10 लाख से भी अधिक हैं। अब ये जानते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर सभी यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि कार्बन के अलावा किसी भी तत्व को मिलाकर के जो यौगिक बनता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।